अस्सलाम वालेकुम वहीद जदून। हमारी असेंबली में आजकल एक लॉ पास हो रहा है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कि उनको वोट का हक दिया जाए, और कोई भी अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहता है, कौमी असेंबली का मेंबर बनना चाहता है या लीड करना चाहता है तो उसके इसके राइट्स हों। चंद और चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर करनी चाहिए। जैसे जो सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं और कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो एटलीस्ट उसके लिए प्रोटेक्शन मिले, उसके लिए गारंटी मिले कि एंड ऑफ द डे कि कोई ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो इस सिस्टम की वजह से रॉब ना हो। क्योंकि माजी की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं कि जो लोग अपने मुल्क की मोहब्बत में अपना सब कुछ लेके पाकिस्तान गए और वहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट की और एंड ऑफ द डे दे बिकम लूजर, और आज भी कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस चल रही होती हैं कि जी मैंने ये किया था और मैंने इतनी मेहनत की थी और ये किया था और आखिर में कब्ज़ा माफिया आ गई और इस तरीके से डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों ने मुझे हार्ड टाइम दिया। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको मेक श्योर करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर अपना सरमाया भेजते हैं, इसके बजाय हमारे ट्रेड डिपार्टमेंट को कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाना चाहिए कि वो पैसों के अलावा मशीनरी भेजे, टेक्नोलॉजी भेजे, सिस्टम भेजे, ताकि मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगें, इस किस्म की अवेयरनेस हो कि लोगों को जॉबें मिल सके। उसके लिए कोई फ्री ट्रेड जोन इस तरीके का बनाया जाए, लेकिन इसके अंदर जो लोग इसका मिसयूज़ करते हैं उनके ऊपर भी पूरी वॉच होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एज अ पाकिस्तानी ट्रेडर, मैं एज अ अमेरिकन ट्रेडर, मैं यहाँ पर पूरी दुनिया के साथ ट्रेडिंग का काम करता हूँ, छोटा है बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह इज़ गोइंग वेरी गुड। लेकिन मेरा पास्ट में जितने एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पाकिस्तान को जब भी कोई चीज़ भेजी गई है एंड ऑफ द डे हर्डल्स हुई है। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, एक हॉस्पिटल भेजा गया था जो चैरिटी के नाम पे बन रहा था, और मैं कैरेक्टर्स के नाम इसलिए नहीं लूँगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन यह कि अल्लाह से ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन दुख इस बात का है कि चैरिटी के नाम पे बनने वाली चीज़ के अंदर अगर अनफेयरनेस हो, ज्यादती हो किसी के साथ, तो फिर वो दुख की बात होती है। इसी तरह बहुत दफ़ा ट्राई की, लेकिन एवरी टाइम व्हेन एवर आई डिड दैट, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि अब तो हिम्मत ही नहीं होती। हम अपना सामान दुबई भेजते हैं, आराम से कंटेनर निकल आता है, जो लोग कारोबार करते हैं उनको भी फ़ायदा होता है, हमें भी होता है, गवर्नमेंट को भी होता है। इस तरह अफ्रीका में कंटेनर से आते हैं, वहाँ पे कोई हर्डल नहीं होती। पाकिस्तान में हमारी सीबीआर को या हमारा जो कस्टम डिपार्टमेंट है या जो भी, इसके अंदर आसानियाँ पैदा करें। चौथी और जो मेन बात है वो ये है कि यहाँ पे जो हमारे फॉरेन अफेयर ऑफिस हैं, जो हमारी एम्बेसीज हैं, जो हमारे काउंसलेट हैं, उसके अंदर जब कोई एक पाकिस्तानी जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हर्डल्स होती हैं, और जो आप पेपर बनवाना चाहते हैं या जो भी काम होता है उसके लिए जो एक सर्टेन टाइम दिया जाता है उससे ज़्यादा वो एक्सीड करते हैं। कई दफ़ा क्या होता है, जिसके लव वन बीमार होते हैं उन्हें पाकिस्तान जाना होता है, और आप यकीन माने उस सिस्टम से निकलने के लिए कई दफ़ों वो लूज कर जाते हैं अपने पैरों को। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान काउंसलेट के अंदर, पाकिस्तानी एम्बेसीज के अंदर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी बात सुनी जाए। और दूसरा एक डिपार्टमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और उसके लिए मेरा ख्याल है कि काउंसलेट को कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, ऐसे सेमिनार्स करने चाहिए कि जिसमें उन्हें ट्रेड अवेयरनेस का बताया जाए कि किस तरीके से हम अपने पाकिस्तान के लिए और अपनी फैमिली के लिए और यहाँ के लिए हम बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट आते हैं
जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी इंडस्ट्री का सामान है, काउंसिल मेक श्योर करे उनके लिए कोई ना कोई वो क्राइटेरिया बनाए ताकि राइट लोगों तक उसका मैसेज पहुंच सके. सो थिंक अबाउट इट. दिस इज दीज आर द गुड सजेशंस एंड आई होपफुली इंशाल्लाह काउंसिल विल डू दैट.